अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं मेरे बच्चों 11th क्लास के लिए वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। एज यू नो कि मैंने इनिशियली आपको कुछ लेक्चर्स पढ़ाए थे डायवर्सिटी में मेरे बच्चों, और फिर मेरा टारगेट था कि मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी क्लास के अंदर ही पढ़ाऊं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ ड्यू टू दिस कोविड-19। अब मेरे बच्चों मैं वापस आपसे जुड़ चुका हूं बेटा थ्रू दिस व्हाट इज कॉल्ड ए सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल। तो अब मेरे बच्चों आप देखो, जितना भी आप लोगों ने क्लास में पढ़ा है, मैंने खुसरू सर से भी बोला था, उन्होंने प्लांट एनाटॉमी वो अपलोड किया था, आई होप कि आप लोगों ने वो अच्छे से पढ़ा होगा। तो उसके बाद मेरे बच्चों मैंने सोचा था कि मैं प्लांट फिजियोलॉजी से स्टार्ट कर लूं, लेकिन आपको बेटा अभी जो मसला है वो ये है कि मैंने सोचा कि कुछ सेक्शंस में, मैंने सुना इस सर से, तो वो कह रही थी कि कुछ सेक्शंस में मैंने किंगडम फंजी, खुजरू सर से मैंने सुना, तो उन्होंने बोला कि कुछ सेक्शंस में उन्होंने बेटे स्टार्ट किया था किंगडम फंजी, कुछ में प्रोटिस्टा पढ़ा रहे थे, कुछ में मोनेरा पढ़ा रहे थे। तो यानी कि आपको पता होगा, यू माइट बी रिमेम्बरिंग दैट 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजी, किंगडम प्लांटी एंड एनिमिलिया। एनिमिलिया में तो वीडियो लेक्चर्स अपलोड किया सर ने। फिर बेटे मैंने सोचा कि कोई कॉमन सा चीज जो मैं आपको पहले पढ़ाऊं फिजियोलॉजी से पहले, तो वो यहां पर आ गया बेटा प्लांट किंगडम। क्योंकि अभी तक कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है जिन्होंने प्लांट किंगडम पढ़ा हुआ है बेटे। फंगाई तो कुछ ने पढ़ा है, किंगडम मोनेरा तो पढ़ा है सबने, प्रोटिस्टा पढ़ा है, फंगाई कुछ ने स्टार्ट किया था। अब मैं उससे बेटे अटैच नहीं करूंगा, जो सर ने पढ़ाया वो इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे वहां। तो यहां पर एक और किंगडम जो पढ़ना है बेटे आपके सिलेबस में है, दैट इज प्लांट किंगडम। ये दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा आपके नीट परस्पेक्टिव से, नीट एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम है। तो इसमें एक दो सवाल बेटे बड़े टिपिकल क्वेश्चन इसमें पूछे जाते बेटे, वर यू आर व्हाट यू कॉल्ड इज बाउंड टू मेक मिस्टेक इफ नॉट प्रॉपरली गाइडेड। तो प्लांट किंगडम का आज मैं सिर्फ इस पहले लेक्चर में सिर्फ आपको नो हाउ दूंगा बेटे। देखो मेरे बच्चों, 11th को मैं ये कहता हूं, 11th क्लास के बच्चों को, जिन्होंने इन्होंने जितना भी बायो में पढ़ा है मेरे बच्चों, वो रिवाइज कर लो, सेम केस विद केमिस्ट्री एंड फिजिक्स वो भी कर लो मेरे बच्चों। तो इस तरीके से जो आप हौसला मत हारो बेटे, आप ट्राई कर लो बेटे। मुझे पता है बहुत सख्त हालात हो गए आप लोगों के साथ, क्योंकि अभी आप उतने मैच्योर नहीं होते हैं, मैच्योर नहीं होते आप उतने के, लेकिन यू हैव टू बिल्ड अप, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी डूइंग थिंग्स ऑल द टाइम, वेदर दैट्स अ लिटिल एफर्ट बट मेक दैट इन अ व्हाट यू कॉल्ड अ कंटिन्यूअस मैनर, इवन इफ अ स्मॉल एफर्ट डन कंटिन्यूअसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट मैटर्स। तो समझ सकता हूं मैं बेटे कि आपको जो नुकसान हो गया, इंशाल्लाह वी विल नॉट लेट यू डाउन, वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट। जैसे मैं 12th के लिए भी मैंने अब ऑलमोस्ट इकोलॉजी कंप्लीट किया हुआ है, तो उसी तरीके से आपको भी कभी लेट डाउन नहीं करेंगे बेटी। और कुछ रूमर्स आ रहे हैं कि मास प्रमोशन होगी, वो होगी बेटी, देखो इफ इवन इफ दैट डज हैपन, पहले तो उसके चांसेस कम ही है, अगर वो भी होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं बेटे कि आपने नहीं पढ़ाई करनी है, आपने नहीं पढ़ना है, कल को नीट में थोड़ी ना मास प्रमोशन हो जाएगी। तो इसलिए इन लेक्चर्स को मेरे बच्चों सीरियसली लेना। और ये कहूं मैं आपसे बेटे, इट कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट टू द नॉर्मल क्लासरूम, लेकिन अब हालात से मजबूर है, करना तो है कुछ बेटे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो अब प्लांट किंगडम बेटे हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटे। प्लांट किंगडम में देखो बेटा, प्लांट किंगडम में एक चीज है, इसमें बहुत सारे प्लांट ग्रुप्स आ जाते हैं बेटे। जब विटाकर्स 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा, जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में जो प्लांट किंगडम बना था पहले, उस टाइम इस प्लांट किंगडम में फंजी भी कुछ डाले गए थे बेटा, प्रोकैरियोट्स भी कुछ डाले गए थे, साइनोबैक्टीरिया वो भी इसी में रखे गए थे बेटे। लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता निकाले गए प्लांट किंगडम से, और आज का जो आपके पास प्लांट किंगडम है बेटा, इट इंक्लूड्स नंबर 1 एल्गी, इसके बाद मेरे बच्चों ब्रायोफाइट्स, इसके बाद मेरे बच्चों टेरिडोफाइट्स, इसके बाद बेटा जिम्नोस्पर्म्स, इसके बाद बेटे
यहां से मैं स्टार्ट करूंगा। पहले इसमें आते बेटे एल्गी, फिर ब्रायोफाइट्स, उसके बाद मेरे बच्चों इसमें आते हैं प्लांट किंगडम, इट इंक्लूड्स टेरिडोफाइट्स, उसके बाद इसमें आ जाते बेटा आप जिम्नोस्पर्म्स और फाइनली एंजियोस्पर्म्स। देखो बेटा दीज आर, अगर आप कहेंगे सर व्हाट आर एल्गी, जिसे प्लांट ग्रुप, तभी तो प्लांट किंगडम में है ना, एनिमल्स नहीं होंगे ना, एल्गी प्लांट्स ही है, इज ए प्लांट ग्रुप। ब्रायोफाइट्स दे आर प्लांट्स, टेरिडोफाइट्स दे आर प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स दे आर प्लांट्स, एंड एंजियोस्पर्म्स दे आर ऑल्सो प्लांट्स। तो दीज आर द प्लांट ग्रुप्स दैट यू हैव टू स्टडी अंडर द प्लांट किंगडम। इन सब प्लांट ग्रुप्स को हमने बेटे एक एक करके पढ़ना है। अब सुनो मेरी बात, आज मैं जनरल इसका आउटलाइन दे रहा हूं बेटे। अगर एल्गी देखेंगे हम, ये भी प्लांट्स है, दे आर मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स, दे आर मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट। एवोल्यूशनरी अगर देखा जाए बेटे, ये जो एल्गी होते हैं मेरे बच्चों, ये मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स है विद रेस्पेक्ट टू द एवोल्यूशनरी लाइंस। एवोल्यूशनरी दे आर मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स। और यहां पर बेटे हम एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे, दे आर एवोल्यूशनरी मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स, दे आर एवोल्यूशनरी मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स। कौन है मेरे बच्चों एवोल्यूशनरी मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स? एंजियोस्पर्म्स। कौन है मेरे बच्चों एवोल्यूशनरी मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ प्लांट्स? एल्गी। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम एल्गी टू एंजियोस्पर्म्स, वी आर मूविंग फ्रॉम एवोल्यूशनरी लेसर इवॉल्व्ड प्लांट्स टू एवोल्यूशनरी मोस्ट इवॉल्व्ड प्लांट्स। पहले मुझे एक चीज बता बेटा, कौन कौन सा प्लांट ग्रुप आ जाता है प्लांट किंगडम में बेटे? एक इसमें आते हैं एल्गी, इसमें आते हैं बेटे ब्रायोफाइट्स, इसमें आते हैं टेरिडोफाइट्स, इसमें आते हैं जिम्नोस्पर्म्स, इनमें आते हैं बेटा एंजियोस्पर्म। What all these represent? These all represent plant groups and are collectively what is called as, इनको एक साथ डाला गया है एक common kingdom में, that kingdom is called as plant kingdom. उस kingdom को मेरे बच्चों plant kingdom बोलते हैं। दूसरा चीज आपने सीखा, what is the most, which is the most evolutionary, most primitive group of plants? Algae. Evolutionary most advanced group of plants? Angiosperms. Angiosperms बेटे, तो ये आप लोगों ने देखा मेरे बच्चों, समझ रहे आप? ओके बेटा, अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा एक और चीज बेटा, आज इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं बेटे। एक सवाल इसी तरीके से आपको मैं पूछूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट, which of the following does not represent plant group? इनमें से आपने बोलना है, जो options मैं दूंगा, question है आपके पास बेटा, which of the following does not represent a plant group? option A algae, option B cyanobacteria, या option B ऐसे बता दूंगा मैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, बी जी ए, सी ब्रायोफाइट्स, डी नॉट, नन ऑफ दीज। आपने इस तरीके से भी मेरे बच्चों आपका सवाल आता है, इनमें से इन ग्रुप्स में आपसे आपने बोलना है कि प्लांट ग्रुप कौन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। एल्गी प्लांट्स है ऑफ कोर्स मेरे बच्चों है, ब्रायोफाइट्स प्लांट्स है ऑफ कोर्स मेरे बच्चों है, लेकिन जो बीजी है, बी जी ए, दैट्स ब्लू ग्रीन एल्गी, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया भी इनको बोलते बेटा। और ये जो साइनोबैक्टीरिया है, दे कम अंडर द किंगडम मोनेरा। इनिशियली ये तो प्लांट्स प्लांट में थे, लेकिन अब बीइंग प्रोकैरियोट्स, दे आर प्रोकैरियोट्स, दे आर नाउअडेज व्हाट इज कॉल्ड एज प्लेस्ड इन द किंगडम मोनेरा। तो ये प्लांट ग्रुप नहीं है, इस तरीके से आपको बेटा सवाल आ जाता है। तो मुझे बताओ मेरे बच्चों, कौन कौन सा ग्रुप प्लांट ग्रुप रिप्रेजेंट करता है? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। वेरी वेरी नाइस माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा
अब बेटे मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहूंगा, एक और चीज आपको पढ़ाना चाहूंगा मेरे बच्चों यहां पर। वेन एवर, अच्छा मुझे बता पहले, व्हाट इज कॉमन अमंग ऑल दिस प्लांट ग्रुप्स? ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इन सब प्लांट ग्रुप्स में कौन सा फीचर कॉमन है? ओके ओके आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। मैं बता दूंगा आपको, दे आर ऑल ऑटोट्रॉफिक, दे आर ऑल ऑटोट्रॉफिक, और आई कैन राइट दिस, दे आर व्हाट यू कॉल्ड, ऐसे मैं बता दूंगा, दे आर ऑल ग्रीन क्लोरोफिल बियरिंग, क्लोरोफिल बियरिंग ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हां तो क्या है बेटा ये, इनमें कॉमन क्या चीज है? ये ग्रीन है, ग्रीन का मतलब हां दे हैव क्लोरोफिल, दे आर ग्रीन क्लोरोफिल बियरिंग ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ये सारे ऑटोट्रॉप्स हैं, क्लोरोफिल बियरिंग है, ग्रीन इन कलर है, ये इनका सबका फीचर है। वेदर इट इज एल्गी और एंजियोस्पर्म्स, दे आर व्हाट यू कॉल्ड एज ग्रीन क्लोरोफिल बियरिंग ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। समझ रहे आप बेटा? ओके दैट्स नाइस। अच्छा अब मैं आपसे बेटे एक और चीज यहां पर आपको पढ़ाना चाहूंगा। वेन एवर ए प्लांट कम्स टू योर माइंड, जब भी आप प्लांट के बारे में सोचते हैं आपके जहन में तीन चीजें आती है मेरे बच्चों। एक तो आपके जहन में आता है बेटा रूट्स, एक तो आपके जहन में आता है रूट, प्लांट हैज अ रूट, और आपको आपके जहन में आता है स्टेम, और आपके जहन में मेरे बच्चों आते हैं लीव्स। वेन एवर वी टॉक ऑफ ए प्लांट, जब भी आप प्लांट बॉडी इमेजिन करेंगे बेटा तो आपके जहन में आएगा रूट्स आएंगे आपके जहन में, रूट प्लांट के पास रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स होते हैं बेटा। अब मैं आपको बता दूं, क्या ये रूट स्टेम एंड लीव हर एक प्लांट ग्रुप में मतलब डिफरेंशिएटेड होता है बेटा? क्या सब प्लांट्स में रूट स्टेम एंड लीव्स डिफरेंशिएटेड होते हैं? नो दैट इज नॉट द क्वेश्चन। पहला प्लांट ग्रुप अगर देखा जाए बेटा एल्गी, अगर पहला प्लांट ग्रुप देखा जाए बेटा कौन सा? एल्गी। एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, इन दो की बात करूं, दे आर थैलॉइड, दे हैव थैलॉइड प्लांट बॉडी, प्लांट्स है बेटा लेकिन इनके पास कौन सी प्लांट बॉडी है बेटा? दे हैव थैलॉइड प्लांट बॉडी, इनके पास थैलॉइड प्लांट बॉडी है, दैट इज इनके पास जो अलगल बॉडी है, जो एल्गी की बॉडी है बेटा, इसमें आपको ना रूट देखने को मिलेगा, ना सिटम देखने को मिलेगा, ना लीव्स देखने को मिलेगी बेटा। यानी कि एल्गी और ब्रायोफाइट्स के अंदर थैलॉइड प्लांट बॉडी है, दैट इज प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड, प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इंटू टू स्टेम कमा रूट्स एंड लीव्स। तो ये आपने मेरे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर याद रखना है, एल्गी के पास क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन इनकी जो एल्गी की बॉडी है दैट इज सिंपली मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू। जैसे कि आपने खुसरो सर ने बोला था बेटे, आपने पढ़ा होगा सिंपल टिश्यूज में पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, इनकी प्लांट बॉडी जनरली जो होती है बेटा वो पैरेन्काइमा टिश्यू की बनी होती है। यहां आपको रूट्स नहीं देखने को मिलेंगे, यहां आपको सिटम देखने को नहीं मिलेगा, यहां आपको लीव्स देखने को नहीं मिलेंगे बेटे। सिंपल व्हाट कॉल्ड एज पैरेन्काइमेटस बॉडी है इनके अंदर, हर एक सेल थैलस की जो है वो शबाश व्हाट कॉल्ड एज ग्रीन इन कलर है, और अपने अपनी नीड्स का टेक केयर कर दिया मेरे बच्चों। तो पहला आपने सीखा, दे आर थैलॉइड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज थैलॉइड प्लांट्स, किन किन को? एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। क्या होती है मेरे बच्चों थैलॉइड प्लांट बॉडी? दे हैव थैलॉइड प्लांट बॉडी। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? व्हेन द प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू टू सिटम, रूट्स एंड लीव्स। रूट लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है कभी, सिटम लाइक स्ट्रक्चर, देखो जब हम ब्रायोफाइट्स की बात करते बेटा इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है मगर ट्रू रूट वो नहीं होगा। मैं आपको आगे मैं आपको बता दूंगा कि ट्रू रूट क्या होता है। सिटम लाइक स्ट्रक्चर में दिखने को मिल सकता है किन में? ब्रायोफाइट्स में, लेकिन वो ट्रू सिटम नहीं होगा एनाटॉमिकली व्हाट इज कॉल्ड एज, वो ट्रू सिटम नहीं होगा बेटा। तो क्या सीखा आपने एल्गी और ब्रायोफाइट्स के बारे में? आपने सीखा शाबाश
दे हैव थैलॉइड प्लांट बॉडी. नाउ कमिंग टू दीज व्हाट यू कॉल्ड एज टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. अब इनकी बात करेंगे बेटे. दे हैव ट्रू प्लांट बॉडी, दे हैव ट्रू प्लांट बॉडी. इनके अंदर मेरे बच्चों ट्रू प्लांट बॉडी होती है, डिफरेंशिएटेड इंटू व्हाट यू कॉल्ड एज ट्रू, डिफरेंशिएटेड इंटू व्हाट यू कॉल्ड एज ट्रू स्टेम, रूट्स एंड लीव्स. कौन कौन ग्रुप आ गया? पेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स. ये वो तीन प्लांट ग्रुप्स है बेटा. क्या ये प्लांट ग्रुप्स नहीं है मेरे बच्चों? हाँ, ये भी प्लांट ग्रुप्स है, बट दे हैव थैलॉइड बॉडी. लेकिन ये जो तीन प्लांट ग्रुप्स है बेटा, दे हैव ट्रू प्लांट बॉडी. दैट इज दे हैव अ बॉडी विच इज डिफरेंशिएटेड इन टू कॉल्ड एज ऑर्गन्स लाइक रूट स्टेम एंड लीव्स. स्टेम, रूट एंड लीव्स. तो ये पहला आपने सीखना है. तो आप देखो बेटा, किनमें अच्छी, किनमें डेवलप्ड प्लांट बॉडी है बेटा? वो है इन प्लांट्स में, या एवोल्यूशनरी एडवांस्ड. इनमें ये प्रिमिटिव प्लांट्स है, दे हैव नॉट व्हाट यू कॉल इट वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी. लेकिन प्लांट्स क्यों है ये? अगर इनमें प्लांट बॉडी जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, ट्रू प्लांट बॉडी जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, तब भी ये प्लांट्स क्यों है? बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉफिल्स, दे आर क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग, दे कंटेन क्लोरोफिल, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दैट द रीजन दे आर प्लांट्स. ओके ओके बेटा, ये तो हो गया एक एस्पेक्ट. यहां पर मेरे बच्चों, मैं आपको एक अहम चीज अब सिखाने जा रहा हूं बेटी. ये जो एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, अभी एक और ग्रुप जुड़ गया टेरिडोफाइट, वो तो क्लियर हो गया आपने, वो तो क्लियर हो गया आपको बेटा. सुनो मेरी बात बेटी, पहले सुनो मेरी बात. एल्गी और ब्रायोफाइट्स, क्या इनमें ट्रू प्लांट बॉडी है? नहीं बेटा. आप लोगों ने सुना होगा ट्रू प्लांट बॉडी के अंदर होता है, प्लांट बॉडी के अंदर होते हैं बेटे, आपने पता होगा कंडक्टिंग टिश्यूज, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. मैं बता दूंगा आपको. अगर ये स्टेम है प्लांट का, ये है बेटा रूट. आपको पता होगा, पता होना चाहिए आपको मेरे बच्चों, प्लांट के अंदर कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं. एक दैट इज, यहां पर मैं लिखूंगा इसको ऐसे, एक्स दैट जाइलम, यहां से मैं लिखूंगा ये फ्लोएम है. समझ रहे आप? जो प्लांट्स होते हैं ना बेटे, जो क्या होते हैं बेटा, प्लांट्स होते हैं, जो हर प्लांट्स होते हैं, उनमें दे हैव वेल डिफरेंशिएटेड जाइलम एंड फ्लोएम. उनमें जाइलम और फ्लोएम की प्रेजेंस होती है. जाइलम आपको पता है, जाइलम रूट के अंदर भी होता है. जाइलम एब्जॉर्ब्स वाटर और उससे वाटर कंडक्शन हो जाती है. फ्लोएम के थ्रू फूड मटीरियल कंडक्ट हो जाता है. आपने पता होना चाहिए ये बात, दैट्स वेरी वेरी बेसिक थिंग. प्लांट सॉइल से क्या एब्जॉर्ब करेगा बेटा? वाटर एब्जॉर्ब करेगा. ये जाइलम के थ्रू ऊपर जाएगा एंड इट वुड गो टू द स्टेम, रूट्स, सॉरी इट वुड गो टू द स्टेम एंड लीव्स. और आपको पता है लीव्स के अंदर बेटा फोटोसिंथेसिस होती है. लीव्स के अंदर भी होता है फ्लोएम. फ्लोएम के थ्रू देखो, यहां लीव्स होते हैं, यहां फूड मटीरियल बनेगा, वो फ्लोएम में आएगा. फ्लोएम के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा टू द रूट्स. इनको, जाइलम और फ्लोएम को, टुगेदर वी कॉल्ड देम एज वेस्क्यूलर टिश्यूज. टुगेदर वी कॉल्ड देम एज व्हाट? जाइलम एंड फ्लोएम, दे आर प्लांट टिश्यूज. यू नो दे आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है ये. अब जिनके अंदर ये है, दे आर कॉल्ड एज वेस्क्यूलर प्लांट्स और ट्रैकियोफाइट्स. और जिनके अंदर ये नहीं है, दे आर कॉल्ड एज एवेस्क्यूलर प्लांट्स और नॉन ट्रैकियोफाइट्स. What are, my dear students? यहां आप एक चीज लिख के रखना, What are vascular plants or trachophytes? What are vascular plants or trachophytes? Plants containing vascular tissues. Plants containing vascular tissues. V, vascular tissues. That is xylem plus phloem, xylem and phloem. आप मुझे बताओ, are algae trachophytes or atrachophytes? देखो बेटा, vascular plants किनको बोलते हैं? Trachophytes, plants containing vascular tissue, that is xylem and phloem. जिनमें नहीं होंगे बेटा, they are called as avascular or atrachophytes. मुझे बताओ algae क्या है और bryophytes क्या है? ये avascular, ये भी avascular. अब टेरिडोफाइट्स जो है, दे हैव
यहां से लेकर यहां तक जो है बेटे, दे आर वेस्क्यूलर प्लांट्स। दे आर व्हाट? वेस्क्यूलर प्लांट्स। कौन है वेस्क्यूलर प्लांट्स बेटा? कौन है ट्राइकियोफाइट्स मेरे बच्चों? क्या एल्गी ट्राइकियोफाइट्स है? नहीं है बेटा। क्या ब्रायोफाइट्स ट्राइकियोफाइट्स है? नहीं है बेटा। फिर कौन है ट्राइकियोफाइट्स? एक है टिरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इसमें कॉमन क्वेश्चन बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्राइकियोफाइट्स। वहां ऑप्शन आपने देखने हैं और प्रॉपरली जवाब देना है। ओके बेटा, तो हो गया आपको ये टर्म क्लियर के थैलॉइड किनको बोलते हैं, ट्राइकियोफाइट्स किनको बोलते हैं, वेस्क्यूलर प्लांट्स किनको बोलते हैं, वेस्क्यूलर किनको बोलते हैं, वो तो क्लियर हो गया बेटा। अब मैं एक अहम एस्पेक्ट में जाता हूं। अब मैं एक जहां उस बुनियाद पर प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम उसमें डिवाइड किया गया है जो मैं आगे आपको बता दूंगा बेटी। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा एक और चीज, दैट इज क्रिप्टोगैम्स एंड देखो बेटा, एक अहम चीज जो आपने समझना है प्लांट किंगडम के हवाले से वो है क्रिप्टोगैम्स किनको बोलते हैं और फेंड्रोगैम्स किनको बोलते हैं। यह आपने समझना बड़ा लाजमी है। देखो बेटा, क्रिप्टोगैम्स और फेंड्रोगैम्स का समझना आपने जरूरी है बेटा। पहला चीज मुझे आपसे यह जानना चाहता हूं बेटे, मैं आपसे, क्या प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं? Do plants perform sexual reproduction? मुझे जवाब दीजिए बेटा। I am waiting for your response. Yes, they do. हाँ, दिखाते sexual reproduction. ये कोई मिथ है? कोई मुझे बोल रहा था सर कि वे बैक सर प्लांट्स भी सेक्सुअल प्रोडक्शन करते हैं? They do reproduce sexually, बेटे। देखो बेटा, अब अगर प्लांट्स में सेक्सुअल प्रोडक्शन है सो दे शुड हैव सेक्स ऑर्गन्स और दे शुड हैव व्हाट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स। मोर प्रेफरेबल टर्म रहेगी, दे शुड हैव सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स। ऑब्वियस बात है, अगर प्लांट्स में सेक्सुअल प्रोडक्शन होती है बेटा तो इनमें सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स का होना बड़ा लाजमी है। अब सुनो मेरी बात, एक चीज जिससे आप मतलब बहुत वेल वर्सड है, अगर आप ये प्लांट ग्रुप लेंगे, कौन बेटे? एंजियोस्पर्म्स। अगर आप कौन सा प्लांट ग्रुप लेंगे बेटे? एंजियोस्पर्म्स। सुनो मेरी बात बेटा, देखो आपने देखा होगा प्लांट के पास बेटा एक स्ट्रक्चर होता है एंजियोस्पर्म के पास, दैट इज फ्लावर, पता है ना? एंजियोस्पर्म्स के पास एक स्ट्रक्चर होता है, दैट्स कॉल्ड फ्लावर। यही फ्लावर एक ऑर्गन है प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म्स में बेटे। दिस इज द सेक्स ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। ये प्लांट्स का सेक्स ऑर्गन है। इसके अंदर आपने सुना होगा स्टैमिन्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, कार्पल होता है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। यानी कि यह चीज आपको क्लियर हो गया कि एंजियोस्पर्म्स में सेक्स सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, एंड व्हाट आर दोस? दोस आर फ्लावर्स, दोस आर फ्लावर्स। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में फ्लावर नहीं होते हैं, टेरिडोफाइट्स में फ्लावर्स नहीं होते बेटा, ब्रायोफाइट्स में फ्लावर्स नहीं होते, एल्गी में फ्लावर्स नहीं होते। ओनली प्लांट ग्रुप विच पॉजिटिव फ्लावर्स इज एंजियोस्पर्म्स। अब कहने का मतलब यह है, लेकिन ये नहीं कि इनमें सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स फ्लावर्स है तो हाँ, बाकी ये चीज बड़ा क्लियर है, एंजियोस्पर्म्स के बगैर कोई प्लांट ग्रुप ऐसा नहीं है जिनके पास फ्लावर्स होते बेटे, ये मैंने कहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनके पास सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स नहीं होते जिम्नोस्पर्म्स के पास या टेरिडोफाइट्स के बाद या ब्रायोफाइट्स के बाद या एल्गी के बाद। इवन द मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट्स एल्गी, दे आल्सो हैव सेक्सुअल व्हाट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन, दे आल्सो हैव सेक्स व्हाट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स, लेकिन फ्लावर्स की बात मैंने नहीं की बेटे। अब क्रिप्टोगैम्स किनको बोलते हैं? क्रिप्टो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्रिप्टो। क्रिप्टो का लिटरल मीनिंग है मेरे बच्चों हिडन। क्रिप्टो का लिटरल मीनिंग है हिडन। गैमी का लिटरल मीनिंग है असल में टर्म है गैमी मैरिज। मैं आपको बता दूंगा क्रिप्टोगैम्स किनको बोलते हैं। दोज प्लांट्स इन विच सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स आर नॉट एक्सपोज्ड और दे आर हिडन एंड एम्बेडेड इन द थैल्स और एम्बेडेड इन टू प्लांट बॉडी। ये पढ़े आपने गौर से देखना है।
देखना पड़ेगा बेटा। क्रिप्टो का मतलब हिडन, क्रिप्टोगैम्स कौन, वो प्लांट्स, दोज प्लांट्स आर कॉल्ड क्रिप्टोगैम्स इन विच सेक्चुअल स्ट्रक्चर्स, वो स्ट्रक्चर जिनकी वजह से सेक्चुअल प्रोडक्शन होती है, आर नॉट एक्सपोज्ड, ये बॉडी पर एक्सपोज नहीं होते, दूर से आपको दिखाई नहीं देंगे, दे आर नॉट एक्सपोज, दे आर हिडन, ये हिडन होते हैं और दे आर एम्बेडेड इन टू द प्लांट बॉडी, इनको हम बेटा क्रिप्टोगैम्स बोलते बेटा। आप बोलेंगे सर एक एग्जांपल दीजिए, मैं आपको दूंगा, पहले मुझे बताओ किन किन प्लांट्स को बेटा हम क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं, क्रिप्टोगैमी में कौन आते हैं बेटा, द प्लांट्स इन विच सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स आर हिडन, दे आर नॉट एक्सपोज, दे आर एम्बेडेड इनटू देयर थायलॉइड बॉडी और दे आर एम्बेडेड इनटू द प्लांट बॉडी। जैसे मैं आपको ऐसे बता दूं बेटे, अगर आप एल्गी की बात करेंगे, एल्गी, एल्गी तो यूनिसेलुलर भी होते हैं मल्टीसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर कोई एल्गी है ऐसे है, वी हैव रिकॉल्ड एज कोई फ्लेमेंटस एल्गी है बेटा, ऐसे ऐसे मैं बता दूंगा, मान लीजिए ऐसा कोई एल्गी है, ये जो एल्गी है बेटा इसके अंदर, इस एल्गी के अंदर मेरे बच्चों, ये जो एल्गी होता है बेटा, इसके बॉडी के थैलस के अंदर कोई स्ट्रक्चर होगा, कोई मास ऑफ सेल्स होगा जो सेक्सुअल प्रोडक्शन के साथ कंसर्न है, लेकिन वो आपको दिखेंगे नहीं बेटी, वो इसके थैलस के अंदर होंगे। इसे मैं आपको समझाऊंगा बेटी, ये मान लो ये कोई एल्गी है, ये डस्टर है ना, आप मत बोलना सर ये डस्टर है, ये डस्टर ही है, लेकिन एज्यूम कर लो ये एल्गी है, अगर यहां पर कोई सेक्सुअल स्ट्रक्चर होता तो हम इसको बोलते एक्सपोज नहीं, इस थैलस के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे जो सेक्सुअल प्रोडक्शन के साथ कंसर्न होंगे बेटे, वो थैलस के अंदर एम्बेडेड होंगे, वो आपको बिल्कुल ऐसे दिखेंगे नहीं, वो आपको तब दिखेंगे जब आप इसकी सेक्शन कटिंग कर लेंगे बेटे, तो एम्बेडेड होंगे वो इसके अंदर, तो ऐसे में आप बोलेंगे इनको एक्सपोर्ट की हिडन है, और ऐसे प्लांट्स को क्रिप्टोगैम्स बोलते बेटा, क्रिप्टोगैमी मतलब क्रिप्टोगैम, इसमें तो आता है एक एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड इवन टेरिडोफाइट्स, ए एल्गी, बी ब्रायोफाइट्स, सी पीटी, पीटी का फिजिकल टीचर नहीं, पीटी का मतलब टेरिडोफाइट्स, ये देखो इवन आप अगर टेरिडोफाइट देखेंगे, आपको मुझे नहीं पता आपको मालूम है कि नहीं, आपने सुना होगा फर्नस, या आपने इसमें सुना होगा मॉसेस, या कोई भी एल्गी ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट देखो, इनमें जो है सेक्सुअल जो स्ट्रक्चर्स होंगे बेटा, जो सेक्सुअल प्रोडक्शन के साथ सेल्स कंसर्न होंगे, वो थैलस के अंदर ही होंगे, एक्सपोज नहीं होंगे, हिडन होंगे बेटे। अब फेनरोगैम्स प्लांट्स इन विच सेक्स ऑर्गन्स और सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स आर एक्सपोज, इसमें दो आएंगे जी और ए ग्लाहमद ना, गुलजार अहमद ना, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। देखो बेटा इसका तो मैं आपको सीधे सीधे बात बता दूं, आप गुलमर्ग गए हैं, हाँ गए होंगे ऑब्वियसली, वहां पर आप लोगों ने पाइनस देखा होगा, पाइनस देखा है यरा यथमना कशीरपुर या बुदुल, उन पे वो हैंगिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो लकड़ी के जैसे, जिनको आप कॉन्स बोलते बेटा, वो कौन सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, एक्सपोज्ड होते आपको दिखते हैं, इवन वो वहां से उठाकर घर भी लाते हैं, शो वो शो अलमारी में भी डालते हैं, उनको कॉन्स इनमें होते हैं। इसी तरह के एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स के अंदर फ्लावर्स होते बेटा, क्या होते बेटा फ्लावर्स, वो भी एक्सपोज्ड होते, दूर से आपको फ्लावर्स देखते हैं, क्या फ्लावर बॉडी के अंदर होता है सिस्टम के अंदर, जैसे खोलकर देखना पड़ता है, नहीं फ्लावर्स तो एक्सपोज्ड होते हैं, तो दे आर फेनेरोगैम्स, व्हाट आर फेनेरोगैम्स, द ग्रुप ऑफ प्लांट्स इन विच सेक्स ऑर्गन्स आर एक्सपोज्ड, इट इंक्लूड्स जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स हैव कॉन्स एंड एंजियोस्पर्म्स हैव फ्लावर्स। ओके ठीक है, ओके मेरे बच्चों दैट्स गुड, अब ये तो हो गया अपनी क्लियर, अब मैं बात करूंगा, नाउ आई वुड बी टॉकिंग अबाउट वन मोर थिंग, प्लांट्स के अंदर एक और फीचर होता है दैट इज सीड प्रोडक्शन, सीड्स बनाते हैं प्लांट बेटा, सीड कौन बनाता है, प्लांट बनाता है कि एनिमल, खतरनाक सवाल है, आईआईटी लेवल का है, जेई लेवल का है, सीड कौन बनाता है, सीड तो प्लांट ही बनाता है बेटा, सीड फॉर्मेशन और रिकॉल्ड एज सीड फॉर्मेशन is the another feature of the plants, yeah, it is the another plant feature, क्या, seed formation,
नाउ कमिंग टू द सीड फॉर्मेशन, अब हम सीड फॉर्मेशन पर आ जाते बेटा, क्या एल्गी सीड्स बनाते हैं? कभी नहीं। आपके आमद कोई आपने देखा होगा क्लैमिडोमोनस का सीड, मैंने नहीं देखा है। सीड बियरिंग प्लांट्स को पहले मैं आपको बता दूं जरा टू टर्म्स, वन इज सुपर मेटोफाइट्स और दूसरी टर्म है नॉन सुपर मेटोफाइट्स। हां बेटा, सुपर मेटोफाइट्स किनको बोलते हैं? द प्लांट्स विच प्रोड्यूस सीड, सीड बियरिंग प्लांट्स। नॉन स्पर्मेटोफाइट्स विच डोंट बियर सीड्स। मुझे आपसे एक चीज बोलना है बेटे, एक बात मुझे आप समझाइए, स्पर्मेटोफाइट्स किनको बोलते हैं? सीड बियरिंग प्लांट्स को, नॉन स्पर्मेटोफाइट्स को, वो प्लांट जो सीड नहीं प्रोड्यूस करते बेटे। क्या आपने ब्रायोफाइट्स का सीड खाया है? कभी नहीं। स्पर्मेटोफाइट्स में दो प्लांट्स आते हैं बेटे, दो प्लांट ग्रुप्स, एक है जिम्नोस्पर्म्स और दूसरा है एंजियोस्पर्म्स। एक है जिम्नोस्पर्म्स और दूसरा है एंजियोस्पर्म। ये सीड बेरिंग प्लांट है। एंजियोस्पर्म्स के तो आपने सीड्स देखे होंगे और जिम्नोस्पर्म्स भी सीड्स बना लेते बेटे। इसमें आएगा एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टिरिडोफाइट्स, यार नॉन सीड बेरिंग प्लांट, दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड एट ऑल। कौन कौन? एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टिरिडोफाइट्स, दे आर नॉन स्पर्मेटोफाइट्स। किनको बोलते हैं मेरे बच्चों? स्पर्मेटोफाइट्स। सीड बेयरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोफाइट्स, इसमें जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। नॉन स्पर्मेटोफाइट्स विच डोंट बेयर सीड्स, एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टिरिडोफाइट्स। लास्ट एक और चीज, एक और चीज मेरे बच्चों, आप बोलेंगे सर क्या? एवोल्यूशनरी मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स एल्गी, मोस्ट इवॉल्व प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स। आप मेरे बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अभी भी मैंने बोला है, इनमें कौन सा ग्रुप ऑफ प्लांट्स है विच प्रोड्यूस फ्लावर्स? एंजियोस्पर्म्स, ओनली ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच प्रोड्यूस या विच बियर फ्लावर्स। तो तभी एंजियोस्पर्म्स को हम क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड रेस्ट ऑफ द प्लांट्स इंक्लूडिंग जिम्नोस्पर्म्स, दे आर कॉल्ड एज नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स, ओनली प्लांट्स बियर विच बियर फ्लावर्स एंजियोस्पर्म्स, ओनली प्लांट्स विच प्रोड्यूस फ्रूट एंजियोस्पर्म्स, ओनली ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच बियर फ्लावर्स एंड दैट द रीजन कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन आर विच बियर फ्रूट्स। फ्लावरिंग भी इनमें होती है और फ्रूटिंग भी। ये वाहिद प्लांट्स है, कौन कौन बेटा? एंजियोस्पर्म, जो फ्रूट भी प्रोड्यूस करते, फ्लावर भी प्रोड्यूस करते और फ्रूट भी प्रोड्यूस करते, इसलिए इनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स गुड। Which are the only group of plants which are called as flowering plants? Algae, pteridophytes, gymnosperms, angiosperms. Angiosperms is the right answer. Okay, beta. Most evolved plants, fruit producing, fruit bearing plants. Okay. Even, आगे मैं बता दूं, इनको भी असल में लास्ट में आता है gymnospermy, angiospermy, दोनों में seed बनता है, लेकिन इनका सीड जो होता है, इनका सीड नेकड़ होता है, लेकिन जो इनका सीड होता है एंजियो एनक्लोज सुपरमी सीड्स, इनके सीड्स फ्रूट के अंदर होते हैं। देखो मुझे बताओ, सीड बेयरिंग कौन कौन सा ग्रुप है? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। इनको असल में क्या कहा जाता है? एंजियो सुपरमी, सुपरमी मतलब सीड, जिम्नोस्पर्मी, जिम्नो मतलब नेकड़ सीड्स, एंजियो मतलब एनक्लोज सीड्स। एंजियोस्पर्म्स की सीड्स किसके अंदर होते बेटा? वो होते हैं फ्रूट के अंदर। देखो बेटा, आपको पता है जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना बेटे, आपको पता है वहां मेल गेमिट होता है बेटा और होता है फीमेल गेमिट। अच्छा, ये मैं मेल गेमिट मानूंगा, ये फीमेल गेमिट मानूंगा। फिर ये फ्यूज हो जाते हैं तो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है जाइगोट। जाइगोट डिवाइड करता है तो बनता है बेटा एम्ब्रियो।
एम्ब्रियो से फिर रेडिकल प्लूमल कॉटिलेडन जो बनते बेटे, यानी कि सेक्सुअल प्रोडक्शन में पहले क्या होते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टू प्रोड्यूस जायगोट, जायगोट डिवाइड फॉर्म एम्ब्रियो। अब सब प्लांट्स में ये तो है, सेक्सुअल प्रोडक्शन तो है, जायगोट फॉर्मेशन भी सब में होती है बेटे, लेकिन एम्ब्रियो भी सब में बनता है एक्सेप्ट एल्गी। एल्गी आर कॉल्ड एज नॉन एम्ब्रियोफाइट्स। एल्गी आर द ओनली प्लांट्स जिनमें एम्ब्रियो नहीं होता है बेटा। आप बोलेंगे सर इनमें क्या होता है, जायगोट, जायगोट डिवाइड करेगा बेटा फॉर्म ए मॉस ऑफ सेल्स, वहां से फिर दोबारा एल्गी बनेगा, यानी कि इनमें एम्ब्रियो नहीं बनता है। वो आगे मैं बता दूंगा लाइफ साइकिल के अंदर, लेकिन एम्ब्रियो इनमें नहीं बनता बेटे। विच प्लांट्स आर कॉल्ड नॉन एम्ब्रियोफाइट्स, एल्गी। रेस्ट ऑफ द प्लांट ब्रायोफाइट, स्टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, दे आर एम्ब्रियोफाइट्स। तो ये हो गया बेटा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द प्लांट किंगडम। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आऊंगा पहले मैं ये सारी चीजें आपसे पूछूंगा, लाइव लेक्चर्स में करता हूं उनमें मैं पूछूंगा ये सवाल बेटे आपको, तो बाकी फिर हम आगे इंशाल्लाह जाएंगे। तो इस तरीके से आपने सीखा प्लांट किंगडम में क्या क्या आता है बेटा, एक क्या आता है शाबाश सिलेंड्रेट्स, मोलस्का, ये आते हैं, फंजाई नहीं, इसमें आता है एल्गी, ब्रायोफाइट, स्टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म। इन सब में कॉमन क्या, ग्रीन क्लोरोफिल बियरिंग, वेरी वेरी गुड। इनमें फिर डिफरेंट फीचर्स पर मैंने बेटे आपसे बात की। थैंक यू, आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर, नेक्स्ट विल बी कमिंग इन कपल ऑफ डेज। थैंक यू, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशन एंड वीडियोज एंड लाइव सेशन। थैंक यू माई डियर स्टूडेंट्स, I miss you all. I love you all. May Allah bless you all and protect us all from this COVID-19. Thank you. Goodbye.